आज जो हमने न्यूज सुनी कि दादर मुंबई में जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का निवास स्थान है, राजगृह, इस राजगृह पर कल किसी अज्ञात व्यक्ति ने वहां जाकर कुछ हौडोश करने का प्रयास किया, कुछ छोटी मोटी वस्तु तोड़ने का प्रयास किया, तो ये बड़ा निंदनीय है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो भारतीय घटना के शिल्पकार है, जिन्होंने भारत को नई दिशा दिखाई है कि कैसे हम संगठित रहकर सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग प्रेम से, मैत्री से, सद्भावना से रहकर कैसे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, ये आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी को दिया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। आज वो करोड़ों लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, और जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहते थे वो दादर का राजगृह, नाम भी इतना अच्छा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया कि राजगृह नाम दिया, जो राजगृह तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, राजगिरी और राजगृह, और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध भी राजगिरी में विचरण करते थे, तो बड़े प्रेरणा से बाबा साहब ने वो नाम दिया। और वहाँ उन्होंने, बाबा साहब ने अपना पर्सनल ग्रंथालय भी रखा, जो ग्रंथ पढ़कर बाबा साहब ने बहुत ज्ञान हासिल किया, और वो सारा ज्ञान लोगों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए बाबा साहब ने बांटा। तो उस राज ग्रह हम सब लोगों के लिए बड़ा पूजनीय है, और वहां पर किसी ने बुरी दृष्टि से ऐसा किया हो, जो न्यूज़ हमने आज टीवी में देखी, तो बहुत हमें दुख हुआ है। हम उस ऐसी घटना का हम निषेध करते हैं। ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से सभी भारत भर के भिक्षु भिक्षुनी, महाराष्ट्र के सभी भिक्षु भिक्षुनी, सभी की ओर से हम इस बात का निषेध करते हैं, और जिसने ऐसा किया हो उसको तुरंत पकड़ा जाए, तुरंत कड़क कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। हम सभी आदरणीय बाड़ा साहब अम्बेडकर, आनंद राज अम्बेडकर, भीमराज अम्बेडकर जो वहाँ रहते भी है, हम सभी उनके साथ है, और हम ऐसे राजगृह पर किसी ने इस प्रकार से कुछ वक्र दृष्टि से ऐसा कुछ किया हो उसका हम निषेध करते हैं। ऑल इंडिया भिक्षु संघ से, भिक्षु संघ की ओर से।